पंगत में नीच जात कहकर दलितों को फेंक कर दिया प्रसाद। तो भगा देते हैं, हम चमार हैं तो क्या इतना छूत है हमारे पास कि हम क्या लगाए हैं। कुशवाहा और यादव लड़कों ने किया दलितों से भेदभाव। और हमारी बनाई मंदिर और हमारे आदमी लोग बनाई मंदिर, हमको छूत मानते हैं। दान के पैसे ले लिए लेकिन दलितों से भंडारे में छुआछूत। हम उनका प्रसाद छू दिए थे तो गाली गलौज करने लगे। फिर साबित हुआ दलितों को हिंदू नहीं मानते मनुवादी। सारे हिंदू एक हैं ये नारा देने वाले हिंदुओं ने बता दिया कि दलित हिंदू नहीं होते, क्योंकि अगर दलित हिंदू होते तो कथित ऊंची जाति के ये लोग दलितों के साथ खाना खाने से इनकार नहीं करते और उनके साथ जातिगत भेदभाव भी नहीं करते। मध्य प्रदेश में फिर से दलितों के साथ छुआछूत का मामला सामने आया है। एमपी के सीधी और शिवपुरी में दलित आदिवासियों के साथ अमानवीय बर्ताव के बाद अब सतना में दलितों से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेमरा गांव में दो लोगों ने दलित परिवार को पंगत में खाना खाने से रोक दिया, उन्हें नीच जाति की कहकर दूर से प्रसाद फेंक कर दिया। आज तक की खबर के मुताबिक भंडारे में गए दलितों के साथ छुआछूत की गई। दरअसल मामला सतना के अमदरा थाने की सेमरा गांव का है। 4 जुलाई को गांव में गुरु पूर्णिमा के मौके पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। झिरिया धाम के राम जानकी मंदिर में विशेष कार्यक्रम था। आयोजन समिति द्वारा पूरे गांव के लोगों से चंदा और अनाज लिया गया। दलितों ने भी खुद को हिंदू समझकर अपनी मेहनत की कमाई से दान की खूब पर्चियां कटवाई, लेकिन जब पंगत में बैठकर खाना खाने की बारी आई तो उन्हें नीच जात का कहकर प्रसाद फेंक कर दिया गया। सब लड़के बच्चे जो मंदिर में जाते हैं तो भगा देते हैं, हम चमार हैं तो क्या इतना छूत है हमारे पास कि हम क्या लगाए हैं, क्या लगाए हैं तो हम कोई छूत मनाते। लड़का बेटी जाती नहीं, प्रसाद देते, मेके देते, उनको खाना खिलाते और हमारी बनाई मंदिर और हमारे आदमी लोग बनाई मंदिर, हम कोई छूत मानते हैं। जब हम बोले कि इस तरह क्यों करते हो तो बोलते हैं कि प्रसाद लेना हो लो, ना लेना हो ना लो, नहीं चले जाओ यहाँ से। जब बोले कि हम सीधा पिसान सब कुछ देते हैं तो क्यों ना आए, तो कहते क्यों आते जुठा ले लोग, इसलिए यहाँ आते। हम उनका प्रसाद छू दिए थे तो गाली गलौज करने लगे। 3-4 साल से हो गए सर इस तरह करते। ऐसे नवरात्रि में यहाँ दुर्गा जी रखते हैं तो नवरात्रि में भी अपने जातों को खवा देते हैं, करना फिर हमारे यहाँ को बुलाने आते हैं तो ऐसे करते हैं नहीं सर। हम पहले हम सोचे कि ऐसे कभी नहीं किए, हम सोचे अब बदलेंगे, अब बदलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं किए, लेकिन इस साल उनके हद ही पार कर दी बदतमीजी कर। आरोप है कि महाप्रसाद के दौरान दलित परिवार खाना खाने पहुंचे तो गांव के दो युवक बबलू कुशवाहा और रामभजन यादव ने दलित परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने दलितों को पंगत में बैठकर खाना खिलाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रसाद भी फेंक कर दिया। कुशवाहा और यादव जाति के लड़के खुद को सबसे बड़ी जाति का हिंदू समझ रहे थे और दलितों को तो वो हिंदू मानते ही नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। दलित महिला ने बताया कि वो मंदिर में खाना खाने गई तो बबलू और रामभजन ने पंगत में बैठकर खाना खाने नहीं दिया। इसका विरोध किया तो कहा कि तुम नीच जात की हो इसलिए यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती। इसके बाद फेंक प्रसाद दिया। ललन टॉप की खबर के मुताबिक पीड़ित दलित महिला शंकी चौधरी ने बताया, हम मंदिर गए थे, वहां अहिरवार लोग खा रहे थे तो हमने सोचा कि हमारी बेटी भी खाएंगी। हमने कहा कि बिठाकर खिला दो तो वो बोले कि हम नहीं खिलाएंगे, प्रसाद ले लो। हमने कहा कि प्रसाद क्यों ले लें, जब अनाज देते हैं तो हमारा भी हक बनता है बैठकर खाने का। तो वो बोले कि तुम्हारा हक नहीं बनता, तुम नीच जात की हो, चौधरी हो, इसलिए हम तुमको नहीं खिलाएंगे। उन्होंने हमें फेंक के प्रसाद दिए तो वो नीचे गिर गया। हमने वो प्रसाद उनके हाथ में रख दिया तो वो गाली देने लगे, पानी पीने लगे तो वो भी छूत मानने लगे, बोले यहाँ आकर पानी छू देती हो, मंदिर छू देती हो, नीच जात की हो। वहीं दो अन्य पीड़िताओं ने बताया कि पिछले 3-4 साल से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें मंदिर के बाहर पानी पीने से भी मना कर दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी मंदिर से भगा देते हैं। इस मामले में पीड़ितों ने थाने में शिकायत दी है, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। SDOP लोकेश दावर ने बताया कि घटना 4 जुलाई की है। दलित परिवार की शिकायत पर गुरुवार को SC ST एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले में कार्रवाई का दावा कर रही है। MP एक ऐसा राज्य है जहां जातिवाद चरम पर है। अभी हाल ही में सीधी का मूत्रकांड काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद MP के CM शिवराज सिंह चौहान पीड़ित के पैर धोते नजर आए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या MP में इस जाति भेद पर कभी रोक लग पाएगी। सवाल तो ये भी उठता है कि अब वो लोग क्या कहेंगे जो दलितों को चुनाव के वक्त हिंदू बताते हैं। सवाल तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों से भी बनता है कि आप एक ऐसा गांव तो नहीं बना सकते जहां सभी लोग
साथ रहते हों, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता हो, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र का दावा क्यों करते हैं? दलित समाज को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां उनका अपमान होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।